नमस्कार दोस्तों, हम लोग साइंस का अब लोग करेंगे सेकंड चैप्टर। और आज आपकी जो वीडियोस हैं वो इसमें मापक यंत्र एवं पैमाने के बारे में देखेंगे। देखिए, सबसे पहले कुछ शॉर्ट नोट्स देख लेते हैं। और आपको पता होगा आपका जो ग्रुप डी का पेपर है वो संभवतः 21 अगस्त से चालू हो जाएगा, तो एक ये भी लंबा चलेगा। तो आपके पास एक ही एग्ज़ाम है, अगर जिसको जॉब की नीड है तो वो तो मतलब करेगा ही करेगा, ठीक है ना। आइए बढ़ते हैं हम लोग नोट्स की तरफ। वैज्ञानिक को जो विभिन्न वैज्ञानिक उपकरण एवं उनके अनुप्रयोगों के बारे में देखिए, यहाँ पर है उपकरण है और एक तरफ, दूसरी तरफ उनके प्रयोग कैसे किए जाते हैं उनके बारे में। जैसे अल्टीमीटर, अल्टीमीटर का काम क्या होता है? अल्टीमीटर का काम होता है कि जब कोई विमान होता है, विमान बहुत ऊँचाई पर होता है तो उसकी क्या नापते हैं हम लोग, ऊँचाई नापते हैं, तो उसका काम करते हैं अल्टीमीटर। फिर आता है एमीटर, एमीटर का प्रयोग होता है विद्युत धारा मापन यंत्र के लिए। फिर होता है एनेमोमीटर, एनेमोमीटर से क्या करते हैं, जो भी हवा बहती है ना उसकी हम लोग क्या देखते हैं कि उसकी वेलोसिटी कितनी है, उसका वेग कितना है, तो एनेमोमीटर से करते हैं। फिर आता है एंटीनोमीटर, एंटीनोमीटर से क्या करते हैं, सौर विकिरण के बारे में हम लोग जानकारी रखते हैं। उसके बाद आता है एंटमोमीटर, एंटमोमीटर से वाष्पीकरण मापन करते हैं। ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता मापी जा मापने वाला यंत्र है। बैरोमीटर ये वायुमंडलीय दाब का निरंतर मापन करने वाला यंत्र है। फिर आता है बैरोमीटर, वायुमंडलीय दबाव दाब मापी यंत्र है। फिर आता है बोलोमीटर, ये आपका ऊष्मी या विद्युत चुंबकीय विकिरण संसूचक यंत्र है। अब देखिए, वर्नियर कैलिपर्स तो आपने इंटर में ही पढ़ा होगा फिजिक्स में, ये क्या होता है, आंतरिक एवं बाहरी व्यास को मापने वाला यंत्र होता है। फिर आते हैं हम लोग कैलोरीमीटर में, कैलोरीमीटर में है पदार्थ द्वारा अवशोषित या मुक्त की गई ऊष्मा की मात्रा को मापने वाला जो यंत्र है। फिर आते हैं कार्डियोग्राफ में, हृदय गति को रिकॉर्ड करने वाला उपकरण है। क्रोनोमीटर है, और समय का पूरी तरीके से परिशुद्धता के साथ में हम लोग मापने वाला जो घड़ी होती है उसको बोलते हैं क्रोनोमीटर। इसका प्रयोग ज़्यादातर जो नाविक होते हैं ना समुद्र में, वही करते हैं, क्योंकि उनको लगभग 15-10 मिनट का भी उनको जो टाइम है, क्योंकि समुद्र में जाने के बाद में वहाँ पर दाब की वजह से घड़ियाँ मोस्टली क्या होती बंद हो जाती हैं। अब आते हैं हम लोग कोलोरीमीटर, कोलोरीमीटर का काम होता है कि रंगों की तीव्रता के मापन द्वारा पदार्थ की सांद्रता का पता लगाने में प्रयोग किया जाने वाला उपकरण। फिर आता है कैटोमीटर, कैटोमीटर होता है ऊर्ध्वाधर दूरी ऊँचाई मापन यंत्र। क्रायोमीटर क्या होता है, यह एक प्रकार का थर्मामीटर है जिसका प्रयोग अति निम्न ताप को मापने के लिए किया जाता है। साइक्लोट्रॉन एक प्रकार का कण है, त्वरण है, जो अवशोषित कणों की गति के गति को बढ़ाने में प्रयुक्त होता है। केस्कोग्राफ क्या होता है, केस्कोग्राफ का जो प्रयोग होता है, देखिए पौधों की वृद्धि को मापने का उपकरण है। डेल्टोमीटर का प्रयोग होता है पदार्थ के आयतन में होने वाले परिवर्तन को मापने वाला उपकरण है। डिप सर्किल क्या होता है, डिप सर्किल होता है, यह इस यंत्र की मदद से किसी पदार्थ के नतिकोण आपने देखा होगा, नतिकोण के बारे में आपने देखा होगा, धन कोण के बारे में सुना होगा, रेडियन कोण के बारे में सुना है, तो ये नतिकोण फिजिक्स से संबंधित है, ठीक है। ये चुंबकीय के ध्रुवों से जो बनती है लाइन, उस पर नतिकोण का मान निकाला जाता है। ये 12th का चैप्टर भी है नतिकोण, तो वहाँ पर आपने आई होप पढ़ा होगा इसको। डायनमो देखते हैं, देखिए यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो परिवर्तन करने वाला जो उपकरण है वो डायनमो है। डायनमोमीटर के बारे में देखेंगे, बल एवं बल आघूर्ण या शक्ति को मापने वाला उपकरण है। फिर आते हैं हम लोग इलेक्ट्रो इंसिक्लोग्राफ के बारे में, EEG बोलते हैं ना जिसको, आपको पता होगा दिमाग में जो विद्युतीय गतिविधियों का पता लगाने के लिए करते हैं। इलेक्ट्रोमीटर क्या है, विद्युत आवेश या विद्युत विभवांतर का मापन करने वाला उपकरण है। इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है कि किसी निकाय में विद्युत आवेश की उपस्थिति का पता लगाने वाला उपकरण है। आगे देखेंगे तो इवोपोरीमीटर क्या होता है, देखिए ये वायुमंडल में जल की वाष्पीकरण की दर का मापन करने वाला उपकरण होता है। एंडोस्कोप पता ही होगा कि ज़्यादातर वो बीमारियां जिनका पता मेडिकल में बाहर से नहीं हो पाता है, जैसे ब्लड सैंपल में नहीं निकलती हैं और भी चीज़ों में नहीं निकलती है, तो उसके लिए एंडोस्कोपी करते हैं। एंडोस्कोपी ज़्यादातर पेट की आंतरिक जो समस्या उसके लिए किया जाता है। फैदोमीटर आपको पता है सागर की गहराई मापने की युक्ति है। फ्लक्समीटर क्या होता है, ये चुंबकीय प्रवाह मापने वाला यंत्र है। गैल्वानोमीटर क्या है, विद्युत धारा मापी यंत्र है। और ग्रेविमीटर आपकी गुरुत्वीय त्वरण मापन यंत्र है। जायरोस्कोप है कोणीय वेग मापन यंत्र है। और हाइड्रोमीटर है द्रव जल की तुलनात्मक घनत्व का मापन करने वाला यंत्र है।
यदि आगे देखेंगे आके हम लोग, तो देखिए यहाँ पर देखिएगा हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर से ध्यान रखिएगा वायुमंडल की सापेक्षित आर्द्रता मापने वाला है। हाइड्रोफोन क्या है? अंतर्जलीय ध्वनि को रिकॉर्ड करने वाला उपकरण है। हाइग्रोस्कोप क्या है? वातावरण में उपस्थित आर्द्रता के परिवर्तन को दर्शाता है। हिप्सोमीटर क्या है? ये दी गई ऊंचाई पर जल के क्वथनांक को ज्ञात कर ऊंचाई का मापन करने वाला उपकरण है। काइमोग्राफ क्या है? विभिन्न शारीरिक गतिविधियां जैसा कि ब्लड प्रेशर और मांसपेशियों में जो संकुचन हो रहा उसके बारे में, इसमें जो ग्राफ बनाता है ना इन सब की एक्टिविटी पे, वो होता है आपका काइमोग्राफ। लैक्टोमीटर तो आपको पता ही है, दूध जब घर में उसकी शुद्धता नापी जाती है तो लैक्टोमीटर का ही यूज़ करते हैं। लक्समीटर होता है प्रकाश की तीव्रता नापने का उपकरण है। लिसीमीटर है आपकी वास्तविक वाष्पोत्सर्जन मापन यंत्र है। मैग्नेटोमीटर है आपका किसी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तथा दिशा का मापन करने वाला उपकरण है। मैनोमीटर है ये आपके द्रवों या गैसों का दाब का मापन करने वाला उपकरण है। माइक्रोफोन क्या है? यह ध्वनि तरंग या यंत्र ध्वनि तरंगों की विद्युत स्पंदनों में परिवर्तन करता है। माइक्रोटोम क्या है? ऐसा यंत्र जो अणुविच्छिणीय निरीक्षण के लिए किसी वस्तु का छोटे छोटे भागों में विभाजन कर देता है। नेफोस्कोप क्या है? नेफोस्कोप में बादलों की ऊंचाई वेग तथा गति की दिशा का मापन करने वाला यंत्र है। ऑडोमीटर क्या है? किसी वाहन द्वारा तय की गई दूरी का मापन करने वाला उपकरण है ये ऑडोमीटर। स्पीडोमीटर भी बोलते हैं, एक स्पीडोमीटर आता है, एक ऑडोमीटर आता है। पेरिस्कोप क्या होता है? देखो, ओट या आवरण में रहते हुए प्रेक्षक को अपने आसपास की वस्तुओं को देखने में समर्थ बनाने वाला उपकरण। इस ऑप्टिकल यंत्र के द्वारा ऐसी वस्तुओं को भी देखा जा सकता है जो प्रत्यक्ष दृष्टि रेखा में नहीं है, जिसके द्वारा जलमग्न अवस्था में पनडुब्बी में पानी की सतह का अवलोकन किया जा सकता है। अतः फोनोग्राफ, फोनोग्राफ क्या? देखिए, ध्वनि की यांत्रिक रिकॉर्डिंग एवं पुनरुत्पादन करने वाला उपकरण कहलाता है। फोटोमीटर आता है, देखिए फोटोमीटर प्रकाश तीव्रता मापक यंत्र है। पोटेशियोमीटर है हमारी किसी सेल के EMF का मापन करने वाला उपकरण है। पिक्नोमीटर है द्रवों के विशिष्ट गुरुत्व का मापन करने वाला यंत्र है। पायरेलियोमीटर होता है आपके सौर विकिरण का मापन करने वाला यंत्र है। और आपका इधर ये देखेंगे पायरोमीटर है, तो ये आपका उच्च तापमान के मापन में प्रयुक्त होने वाला उपकरण है। फिर आते हैं हम लोग साइक्रोमीटर में, ये सापेक्षी आर्द्रता का मापन करने वाला यंत्र है। रेन गेज से तो आपको पता ही है वर्षा कितनी है, किस लेवल की वर्षा है, कितने सेंटीमीटर वर्षा है। अच्छा बताइए, सबसे कम वर्षा वाला भारत में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है या कोई राज्य है, ठीक है, इसको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। रेडियोमीटर है देखिए विकिरण द्वारा प्राप्त ऊर्जा मापने वाला जो यंत्र है वो आपका रेडियोमीटर है। उसके बाद में हम लोग देखेंगे, देखिए रिफ्रैक्टोमीटर है आपका अपवर्तनांक का मापन करने वाला यंत्र है। सेलिनोमीटर आपका किसी विलयन की लवणता का मापन करने वाला उपकरण है। सोलरीमीटर आपका है सौर विकिरण की तीव्रता मापन यंत्र है। सैक्रोमीटर आपका किसी शर्करा युक्त विलयन की सांद्रता का मापन करने वाला उपकरण है। सेक्सटेंट होता है कि ये बहुत अच्छा मीटर है, ये है दो वस्तुओं के बीच कोणीय दूरी को मापन करने वाला उपकरण। इसका जो उपयोग है वो ज़्यादातर आपको पिंडों की ऊंचाई का पता लगाने के लिए किया जाता है। स्फिग्नोमीटर से तो आपको पता है ब्लड प्रेशर चेक करते हैं। स्टेटोस्कोप वही जो डॉक्टर आपको लगाता है उसको बोलते हैं हम लोग आम भाषा में आला, लेकिन हृदय की वो गति को सुनने के लिए करता है, ठीक है। स्पीडोमीटर मैंने अभी आपको बताया, स्पीडोमीटर का काम क्या होता है? किसी वाहन की गति प्रदर्शन करने वाला उपकरण है। टैकोमीटर क्या है? वस्तु जैसे कि इंजन या सॉकेट आदि की घूर्णन गति का मापन करने वाला उपकरण है। इसका प्रयोग जो होता है वो व्यापक रूप से ऑटोमोबाइल विमान आदि में किया जाता है। आगे देखेंगे विकोमीटर क्या है? किसी तरल की श्यानता का मापन करने वाला यंत्र है। और जो आपका विंड वेन है वो पवन की दिशा मापक यंत्र है। अब आते हैं हम लोग कुछ एक MCQs है हमारे पास, उन MCQs को करते हैं। देखिए सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। सोनार का प्रयोग किस में करते हैं? सोनार का प्रयोग करते हैं आपका नौ संचालन वाहन होते हैं ना, सिर्फ उसके द्वारा। आप डॉक्टरों के द्वारा किसका यूज़ करते हैं? उसका यूज़ करते हैं स्टेटोस्कोप का, अभी बिल्कुल अभी बात हुई हम लोगों के। अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा बहुत सारी चीज़ों का यूज़ करा जाता है, ठीक है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम लोग।
इसमें है कि देखिए जो सोनार है, पहले तो सोनार का फुल फॉर्म देख लेते हैं, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक है, रेंजिंग है, साउंड नेविगेशन एंड रेंज उसकी है जो, ठीक है। इसका जो प्रयोग है नौसैनिक नौसंचालन द्वारा किया जाता है, सोनार की सहायता से महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए उच्च आवृत्ति की पराश्रव्य तरंगे, देखिए हाई फ्रिक्वेंसी की पराश्रव्य तरंगों का यूज़ होता है यहाँ पे, इस बात को समझना है आपको, को महासागर की गहराई में भेजा जाता है। ये तरंगे उस वस्तु से टकरा कर प्रतिध्वनि के रूप में लौट आती हैं और जिनकी सहायता में महासागरों में डूबी हुई वस्तुओं की वास्तविक स्थिति की जानकारी मिल जाती है, ठीक है। मतलब कि कोई वस्तु पड़ी है वहाँ पर, आपकी आपकी हाई जो बहुत ही हाई फ्रिक्वेंसी की पराश्रव्य ध्वनि तरंगे जाएंगी उस वाले क्षेत्र को, उस पूरे क्षेत्र में पड़ती है जहाँ से वो रिफ्लेक्ट होकर आती है, तो वहाँ मान लिया जाता है कि कोई वस्तु पड़ी हुई है, ठीक है ना। कोई मेटल होते ही उसी को ट्रैक भी करती है ये, या कोई प्लास्टिक मेटल, कोई पत्थर वत्थर को नहीं करेगी, क्योंकि अगर पत्थर को करेगी तो हर पूरे ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी तो लगेगा हर जगह सब कुछ पड़ा हुआ, क्योंकि समुद्र के नीचे तो पत्थर ही पत्थर पड़े हुए हैं। देखिए महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग करते हैं, अभी अभी बात करी थी, देखिए वही रिपीटेड क्वेश्चन है, सोनार। अब आपको पता है ऑडियोमीटर क्या होता है, सेक्सटेंट क्या होता है और गैल्वेनोमीटर क्या होता है, इसके बारे में अभी हम लोग बात भी कर चुके हैं। देखिए अगर ऑप्शन बी देखिए हम लोग गैल्वेनोमीटर के बारे में, तो आपको पता ही होगा गैल्वेनोमीटर क्या है, कि कोई परिपथ है तो परिपथ में जो धारा है वो धारा की दिशा उसका विभवांतर, कोई परिपथ है धारा की दिशा और उसका विभवांतर नापने के लिए क्या यूज़ होता है, गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। ऑडियोमीटर का यूज़ किस लिए होता है, ऑडियोमीटर का यूज़ होता है कि कोई वाहन ने कोई दूरी अगर तय करी है तो उस दूरी को पता करने के लिए ऑडियोमीटर का यूज़ होता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, इसके बारे में बात हो रही। इसी में से एक और भी हम चीज़ एडिशनल आपको डाल रहे हैं कि एक आता है ओम मीटर, ठीक है, ओम का ऐसे आपने साइन देखा ना फिजिक्स में, जिन्होंने फिजिक्स पढ़ी होगी और इंटरमीडिएट में वो जानेंगे। देखिए सेक्सटेंट मीटर के बारे में यदि देखेंगे तो यहाँ पता चलेगा कि जो दो वस्तुओं के बीच का जो कोणीय दूरी होती है, ठीक है, दो वस्तु हैं उनके बीच की जो कोणीय एंगल है, ठीक है ना, उस एंगल को देखने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सेक्सटेंट मीटर का यूज़ करते हैं। मान लीजिए ये है तो ये किस एंगल पे, इसको चेक करने के लिए हम लोग सेक्सटेंट मीटर का यूज़ करते हैं। आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। देखिए फिर से आ गया सोनार का प्रयोग हम क्यों करते हैं, सोनार का प्रयोग करते हैं क्यों, वो करते हैं हम लोग पराश्रव्य ध्वनि का, और क्यों करते हैं, जैसे मान लीजिए ये आपका है नाव, ठीक है ना, ये आपकी है नाव, प्यारी सी नाव है, नीचे भरा है पानी, अब इस पानी में कोई वस्तु आपकी गिर गई तो क्या करेगा, यहाँ पे बैठा हुआ जो व्यक्ति है वो क्या करेगा, सोनार की एक हाई फ्रिक्वेंसी वाली एक रेज, एक वो रेज होती है, तरंगे होती हैं, वो डालेगा और ये जैसे रिफ्लेक्ट जिस जगह से कर देंगी तो ये जब तरंग ऊपर आती है ना, तो यही तरंग के थ्रू हमें पता चलता है कि हमारी कौन सी चीज़ नीचे ज़मीन में पड़ी हुई है, ठीक है, तो इसका सी विकल्प बिल्कुल सही है, ये मैंने आपको बता भी दिया। प्रश्न नंबर आते हैं 4 में, कहा गया है कि ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला जो यंत्र क्या है। देखिए ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र तो ऑडियोमीटर है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ध्वनि की तीव्रता आपके पास ये एक है माइक, ठीक है, इसमें निकल रही है ध्वनि, इस ध्वनि की जो फ्रिक्वेंसी है इसको चेक करने वाला जो तरीका क्या है, वो ऑडियोमीटर, बिल्कुल सही बात है। अब ऑडियोफोन क्या है, ऑडियोफोन जो आप कान में लगाते हैं ना वही ऑडियोफोन होता है, ठीक है। अब देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि देखिए ऑडियोमीटर द्वारा ध्वनि की तीव्रता का मापन किया जाता है, जबकि एनिमोमीटर जो पहला दिया गया ऑप्शन उसके द्वारा वायु के वेग की मापन किया जाता है, वायु की वेग, वायु की मतलब जो वेग है वो कितना है। क्रोनोमीटर एक ऐसा उपकरण है जो तापमान, आर्द्रता, वायु दाब आदि में परिवर्तन होने के बावजूद समय का पूर्ण परिशुद्धता के साथ मापन करता है। ऑडियोफोन दोषयुक्त श्रवण शक्ति में सुधार लाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण है। आते हैं प्रश्न नंबर हम लोग 5 में, कहा गया एनिमोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है, तो वो है पवन के वेग का, वेलोसिटी ऑफ एयर, ठीक है, उसका यूज किया जाता है क्या, एनिमोमीटर से। पानी की गहराई फैडोमीटर, आपको पता ही है। प्रकाश की तीव्रता, पानी के बहाव, देखिए पानी का जो बहाव है वो क्यूसेक से नापते हैं, आपको पता ही ना क्यूसेक से। अगर आप प्रकाश की तीव्रता के बारे में देखेंगे, अब देखिए जो ये प्रकाश की तीव्रता है वो क्या है, फोनोमीटर नापता है, आपको पता ही ना, तो ये क्या है, फोनोमीटर, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी मैं आपको कुछ और मीटर बता देता हूँ। फोनोमीटर के बाद में आप देख सकते हैं कि आपको पॉलीग्राफ भी पता है जो झूठ पकड़ने वाला होता है ना, साइक्रोमीटर के भी बारे में पता है, ये सापेक्षिक आर्द्रता को मापने वाला यंत्र है,
और भी हम लोग आगे चल के डिस्कस करेंगे इसी बारे में। वायु की जो गति है निम्नलिखित में से किसके द्वारा नापी जाती है? देखो भाई, बैरोमीटर के द्वारा वायु की गति के बारे में है, ये बात ध्यान रखिएगा। बहुत लोग कन्फ्यूज़ करके लगा देंगे बैरोमीटर, लेकिन बैरोमीटर नहीं है। बैरोमीटर क्या है? वायुमंडलीय दबाव को नापता है, वायु की गति को नहीं नापता। हाइड्रोमीटर विंड वेन, हाइड्रोमीटर एक होता है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर में क्या है? जल की वो अपेक्षित आर्द्रता को नापता है, और हाइड्रोमीटर क्या? वायु की अपेक्षित आर्द्रता को नापता है। तो देखिए, एनेमोमीटर द्वारा वायु के वेग की माप की जाती है, ठीक है। वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए देखिए, अभी मैंने आपको बताया बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है, और हाइड्रोमीटर से जल के घनत्व का मापन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमलिखित नहीं है? एनेमोमीटर वायु की चाल, एमीटर विद्युत धारा, टैक्योमीटर दबांतर, और पाइरोमीटर उच्च ताप, ठीक है। टैक्योमीटर एक प्रकार का सर्वेक्षण उपकरण है, जिसे क्षैतिज दूरियां, लंबवत उन्नयनों एवं दिशाओं के त्वरित मापन हेतु डिजाइन किया गया है, और अन्य विकल्पों के युग में सुमलिखित है, जिसको पाइरोमीटर की सहायता से दूर स्थित उच्च तापीय वस्तुओं का ताप मानते हैं। पाइरोमीटर क्या है? देखिए भाई, पाइरोमीटर से आपका क्या होता है, अभी हम लोगों ने बात करी, उच्च ताप को मापा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। वायुमंडलीय जो दबाव है उसको किससे नापते हैं? बैरोमीटर से। आर्द्रता दो टाइप से, एक आती है आर्द्रता आपकी जिसको बोलते हैं हम लोग उसकी आर्द्रता, वायु की आर्द्रता, एक होती है जल की आर्द्रता, एक होता है हाइड्रोमीटर से, एक होता है हाइग्रोमीटर से। और घनत्व किसी के चीज़ का नापते, डेंसिटी नापने के लिए तो अलग अलग ही कहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाए। कितनी बार पूछा गया देखिए, पाइरोमीटर या पूर्ण विकिरण उच्च मापी की सहायता से अत्यधिक उच्च तापों की माप की जाती है, या ताप मापी स्टीफेंस के नियम पर आधारित होता है। इसके अनुसार उच्च ताप पर किसी वस्तु से उत्सर्जित विकिरणों की माप इसके परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होती है, और जिसकी सहायता से दूर की वस्तुएं तथा सूर्य आदि के ताप का मापन किया जाता है। और इस ताप मापी से लगभग 800 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे का ताप नहीं मापते, क्योंकि इससे कम ताप पर वस्तुएं ऊष्मीय विकिरणों का उत्सर्जन करती ही नहीं हैं, ठीक है। आप समझ लीजिए, किससे नीचे? 800 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर नीचे है तो वो वस्तुएं ऊष्मीय विकिरण नहीं डालेंगे, और जब ऊष्मीय विकिरण नहीं डालेंगे तो आप क्या कर पाएंगे? उच्च ताप माप ही नहीं पाएंगे किसी चीज़ का, ठीक है ना। तो इसको समझते हुए चलना। देखिए, आपके एग्ज़ाम आने वाले, एनटीपीसी मेंस का भी स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि प्रीलिम्स के सारे एग्ज़ाम खत्म हो गए। आप में से बहुत लोग होंगे जिन्होंने एनटीपीसी का दिया होगा, ठीक है, तो वो भी मेंस में साइंस बहुत आती है, उसमें साइंस, मैथ्स, रीजनिंग का ही वहाँ खेल है, और जीएस का, बाकी और कोई सब्जेक्ट आता नहीं, हिंदी आती नहीं, इंग्लिश आती नहीं। अब रेलवे में ग्रुप डी के भी स्टार्ट होने वाले, आप में से बहुत लोग होंगे जिन्होंने ग्रुप डी का भी भरा होगा। तो ये जो घटना चक्र है, जो 599 पेज, अगर आपने इसको कंप्लीट कर लिया ना, तो आप ये समझ लीजिए पूरी साइंस रट ली आपने, और रट ली, आपका एक सवाल गलत नहीं होगा। न्यूमेरिकल तक मैं यहाँ पे बिल्कुल सही सही आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊंगा, ठीक है। तो इसके लिए बिल्कुल परेशान मत होइएगा। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में संयंत्रों में से किसका उपयोग अत्यधिक उच्च ताप को मापने के लिए किया जाता है? अभी हम लोगों ने बात करी पाइरोमीटर के बारे में, पाइरोमीटर के बारे में बात करी बिल्कुल अभी। अब हम लोग देखो, फैदोमीटर, पिग्नोमीटर और फोनोमीटर, इन सब के बारे में बात कर चुके हैं। आप भी थोड़ा सा अपने उंगलियों को, उंगली का सही इस्तेमाल करिए, मोबाइल को घिसने में मत करिए, उसको टाइप करिए कि इन सब का मतलब क्या। मैं तो खुद ही बता देता हूँ आपको, वीडियो ज़्यादा ना लंबी हो, इसलिए मैं कहीं कहीं जगह अपने आप को रोक लेता हूँ कि जो चीज़ें बता दी उसको मत बताओ। आइए बढ़ते हैं हम लोग 10वें नंबर पर, निम्नलिखित ताप मापियों में से किसे पाइरोमीटर कहा जाता है? अभी हम लोगों ने बात करी विकिरण ताप मापी को कहा जाता है, ठीक है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, अब बाकी के ऑप्शन के बारे में आप पॉज करके लिख सकते हैं। देखिए, वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड मापने हेतु उपयुक्त हो वह क्या होता है? वो होता है पूर्ण विकिरण पाइरोमीटर के बारे में, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए देख लेते हैं, तो इसका सही ऑप्शन क्या था? पूर्ण विकिरण पाइरोमीटर के बारे में, सी ऑप्शन बिल्कुल सही था इसका। पूर्ण विकिरण पाइरोमीटर द्वारा अत्यधिक उच्च तापमान का मापन किया जाता है। यह मुख्यतः गतिशील वस्तुओं तथा उन सतहों के मापन हेतु प्रयुक्त होता है जिन तक पहुंचना और उन्हें स्पर्श करना संभव ना हो, और उसमें ऊष्मीय विकिरणों के मापन द्वारा तापमान का मापन किया जा सकता हो। फिर आते हैं हम लोग देखिए पायरोहेलियोमीटर के बारे में। देखिए ये क्या है, ये सोलर रेडिएशन को बताता है, मैंने आपको बता दिया सोलर रेडिएशन बहुत पहले, अभी हम लोग बता चुके हैं इसके बारे में। और अगर एडिशनल मैं आपको दूं तो आपको पता हो, देखिए एक होता है ओडोमीटर, ओम मीटर, ऑडियोमीटर, इन तीनों में क्या अंतर है? जरा मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, ठीक है।
एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि सौर विकिरण को मापने के लिए मुख्यतः दो प्रकार के उपकरण का प्रयोग करते हैं, एक होता है आपका पायरोनोमीटर, एक होता है पायरोहीलियोमीटर, ठीक है ना। और किसको नापते हैं? सौर विकिरण। सौर विकिरण मतलब सूर्य के प्रकाश को नापने का जो तरीका है, ठीक है ना। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? मैनोमीटर के द्वारा करी जाती है गैस का दबाव मापा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। बाकी सबके बारे में आपको पता ही है। अच्छा, सतह पे तेल का दबाव अगर देखना है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सतह पे अगर तेल का दबाव देखना है तो आप किस यंत्र का उपयोग करेंगे? इसका मतलब ये है कि मान लीजिए समुद्र के अंदर या किसी चीज़ को बस तेल का दबाव है तो इसमें किस यंत्र का आप प्रयोग करेंगे मुझे बताइएगा, ठीक है ना, कमेंट करके। बहुत अच्छा प्रश्न है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ। देखिए आपको मिलान करना है 14 में, क्या क्या मिलान करना है देखिए। बैरोमीटर का प्रयोग किससे होता है आपको बस पहले एक दो अगर आपने पकड़ लिया तो आप पूरा कर ले जाएंगे। बैरोमीटर क्या है? दाब से संबंधित है ना। तो देखिए चौथे का पहला कहाँ दिखाई दे रहा, आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए चौथे का पहला हर जगह यहाँ पर है, तो यहाँ देखते हैं एनोमीटर का प्रयोग किस में होता है? धारा के लिए होता है, ठीक है। हाइग्रोमीटर का प्रयोग किसके लिए होता है? ये होता है आपकी सापेक्षित आर्द्रता के लिए। तो बस यहाँ से आपने पकड़ लिया, ऑप्शन नंबर आपका हो गया बी। पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा और लास्ट वाला हम लोगों ने निकाल ही लिया। अब इसके बराबर तो कोई मैच कर नहीं रहा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। पढ़ लेते हैं, देखिए अमीटर से किसी विद्युत परिपथ में प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा का मापन किया जाता है। हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की आपेक्षिक आर्द्रता को मापते हैं। स्प्रिंग तुला से किसी वस्तु के भार का माप किया जाता है, जिसको बैरोमीटर से वायुदाब को मापा जाता है। प्रश्न आता है 15, अब आपको बताना कौन सा इसमें सही नहीं है। ऑडोफोन का जो काम होता है वो होता है वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी का मापन, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। आते हम लोग ओडोमीटर के बारे में। देखिए विद्युत चुम्बकीय तरंगों की आवृत्ति मापने का यंत्र होता है, ऑडियोफोन होता है ध्वनि तीव्रता माप यंत्र होता है, एनोमीटर, तो इसमें कौन सा गलत है? ये वाला गलत है, ऑप्शन नंबर सी। ऑडियोमीटर का काम ध्वनि तीव्रता थोड़ी नापता। ऑडियोमीटर का काम क्या होता है? ऑडियोमीटर का काम क्या होता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए बता ही दिया, हालांकि इसमें विद्युत जो अमीटर है विद्युत परपथ मापने के लिए उपयुक्त होने वाला उपकरण है, ना कि विद्युत शक्ति मापने के लिए। तो इसका आपका हो जाएगा माफ कीजिएगा डी हो जाएगा, गलती मैंने आपको सी बोल दिया, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की तरफ। विद्युत धारा निम्नलिखित में से किस उपकरण से मापी जाती है? विद्युत धारा मापने के लिए क्या यूज होता है? अमीटर का प्रयोग किया जाता है, बी ऑप्शन। देखिए जो एमीटर है ना वो विद्युत धारा मापक यंत्र है, और पोटेंशियोमीटर किसी सेल में EMF का मापन करने वाला उपकरण होता है। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट की तरफ आते हैं, प्रश्न नंबर 17। देखिए वायुमंडलीय दाब को मापने में यंत्र का प्रयोग किया जाता है, वो है हमारा बैरोमीटर के बारे में। वायुमंडलीय दाब को नापते हैं। हाइड्रोमीटर से क्या होता है? हाइड्रोमीटर से हम लोग जल की आर्द्रता नापते हैं। आपको हाइग्रोमीटर से वायु की आर्द्रता नापते हैं। मैनोमीटर से क्या नापते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। देखिए वायुमंडल दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर में पारे का अचानक नीचे आ जाना तूफान मौसम का संकेत होता है। साधारण बैरोमीटर में कौन से द्रव का प्रयोग करते हैं? तो देखिए हालांकि बैरोमीटर में प्रयुक्त जल का भी होता है, अल्कोहल का भी होता है और पारे का भी होता है, लेकिन इसमें देखते हैं ये स्टार क्यों बना है। देखिए बैरोमीटर या वायुदाब मापी एक यंत्र जिसकी सहायता से वायुमंडल के दबाव को मापते हैं। विभिन्न प्रकार के बैरोमीटर अलग अलग होते हैं, द्रव वाले भी होते हैं, जल वाले भी होते हैं, पारा वाले भी और हवा वाले भी। तो इसमें जो बैरोमीटर का जो सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है उसमें पारे का प्रयोग होता है। तो जिसने यहाँ पर बी ऑप्शन दिया होगा वो सही है, तो बी ऑप्शन कर सकते थे, पारा ज़्यादातर उसी का प्रयोग करते हैं। दूध की अपेक्षित घनत्व तो ज्ञात किया जाता है, वो है लैक्टोमीटर से। बात हो चुकी है हम लोगों की, हम लोग इस पर डिस्कस भी कर चुके हैं। थर्मामीटर से क्या होता है ना भाई, थर्मामीटर से आप 800 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे के ताप को मापते हैं। उससे ऊपर मापने के लिए मैंने अभी आपको बताया था एक खास प्रकार के मीटर का प्रयोग करते हैं, वो कमेंट सेक्शन में जो बताइए। आज मैं चाहता हूँ कि आप कितने एक्टिव हैं ये देखें, क्योंकि आप कमेंट नहीं करते हैं। दूध की आपेक्षिक घनत्व या दूध की शुद्धता का मापन लैक्टोमीटर की सहायता से किया जाता है। ब्यूटेरोमीटर दूध या दूध के उत्पादन में वसा की मात्रा को मापने का यंत्र होता है। दूध की घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? तो वो है लैक्टोमीटर, उसकी डेंसिटी को नापते हैं। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दबाव को नापते हैं।
हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, ये बार बार देखिए आ रहा, हाइड्रोमीटर जल की आर्द्रता और हाइग्रोमीटर आपकी, हाइग्रोमीटर आपकी जल की आर्द्रता, हाइड्रोमीटर से आपकी वायु की आर्द्रता नापते हैं। वायुमंडल की सापेक्षी आर्द्रता मापी जाती है किसके द्वारा, वो मापी जाती है हाइग्रोमीटर के द्वारा, वायुमंडल की ग्रो, ठीक है, ग्रो हाइग्रोमीटर, और हाइड्रोमीटर जल से, जी जहाँ आएगा वहाँ वायुमंडल पे आएगा, हाइग्रो जहाँ डी आएगा वो आपका आएगा डी टू, आप उसे कर सकते हैं भारी जल से, ठीक है ना। पोटेंशियोमीटर से बात हो गई है कि उसमें विकिरण जो होती है उनके ताप को नापते हैं, इलेक्ट्रोमीटर से दूध को। तो हाइग्रोमीटर वह उपकरण है जिसकी सहायता से वायुमंडल की सापेक्षित जो आर्द्रता होती है उसको मापा जाता है, आर्द्रता को मापा जाता है। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता, हाइग्रोमीटर से जल घनत्व का और पोटेंशियोमीटर से विभवांतर का माप किया जाता है। प्रश्न नंबर बढ़ते हैं हम लोग 22 में। हवा में आर्द्रता को नापने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग में लाया जाता है, वो है हमारा हाइग्रोमीटर। हवा से अगर नापते हैं तो हाइग्रोमीटर का उपयोग करते हैं, हवा में अगर आर्द्रता नापते हैं तो हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। हवा की आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर प्रयुक्त होता है। स्पेक्ट्रोमीटर एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के एक विशिष्ट भाग के सापेक्ष गुणों के, सापेक्ष प्रकाश के गुणों का मापन करते हैं। यूडियोमीटर एक प्रयोगशाला उपकरण है जो किसी भौतिक या रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप किसी गैसीय मिश्रण आयतन में होने वाले परिवर्तन को मापते हैं। वायु की आर्द्रता क्या होती है, वायु की आर्द्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग होता है, वो होता है हमारा हाइग्रोमीटर। जी से वायुमंडल चले जाओ, हाइड्रोमीटर जल पे आ जाओ, ओडोमीटर से स्पीड नापो, मैनोमीटर से क्या नापो, क्वेश्चन मार्क लगा दिया है, आप मुझे खुद बताना। हाइग्रोमीटर क्या वायुमंडल का दबाव, नहीं वायुमंडल की आर्द्रता, दबाव को नापने के लिए क्या करते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि दबाव को नापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। आर्द्रता को मानांकित करने का उपकरण निम्नलिखित में से कौन सा है, आर्द्रता को, तो वह आपका हाइग्रोमीटर। हाइड्रोमीटर से जल का नापते हैं, पायरोमीटर से क्या नापते हैं, पायरोमीटर से आपको बताना पड़ेगा, पायरोमीटर से, थर्मास्टेट से और हिप्सोमीटर से, हालांकि नीचे एक्सप्लेनेशन में दिया है। आर्द्रता को मापने करने का उपकरण है वो हाइग्रोमीटर है, पायरोमीटर उच्च ताप तथा हिप्सोमीटर ऊंचाई मापने का यंत्र होता है, और थर्मास्टेट ऊष्मातापी किसी किसी तंत्र के तापमान को नियमित करने के लिए उपकरण का प्रयोग होता है। आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है, आर्द्रता नापी जाती है हाइग्रोमीटर से, लेकिन कौन सी आर्द्रता के बारे में बात कर रहे हैं। अगर ये बात करें वायुमंडल की आर्द्रता तब तो ठीक है, अगर जल की आर्द्रता तो हाइग्रोमीटर से, लैक्टोमीटर से दूध, पायरोमीटर से, अभी हम लोग बात कर चुके हैं कि ताप के बारे में, ठीक है ना। प्रश्न नंबर आते हैं 27 की तरफ, देखिए यहाँ पे दिया हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता को मापने का यंत्र है, और हाइग्रोमीटर से जल के तुलनात्मक घनत्व को मापते हैं, हाइग्रोमीटर से जल का तुलनात्मक घनत्व नापते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही है ये आपको बताना है, सही बताना है। देखिए पहला जो है थर्मारेस्टर, ये इलेक्ट्रॉनिक थर्मल है, यही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। देखिए जो थर्मारेसिस्टर है ये एक उपकरण है जो कि इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर की भांति काम करता है, यह उपकरण तापमान में परिवर्तन के साथ अपने प्रतिरोधों को बदलता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 28 में आते, सूची एक को सूची दो से मिलान करना है तो स्टेटोस्कोप का प्रयोग क्यों होता है, स्टेटोस्कोप का प्रयोग होता है हृदय की ध्वनि को सुनने के लिए। अब लक्स मीटर का प्रयोग होता है प्रकाश की तीव्रता को नापने के लिए, स्फिग्नोमीटर का प्रयोग होता है रक्तचाप को, कैरेटोमीटर का यूज है सोने को, कैरेट होता ना कैरेट तो सोने को, अच्छा शुद्ध सोने को नापने, शुद्ध सोने के लिए जो आप एक हॉलमार्क यूज होता है उस हॉलमार्क का साइन कैसा होता है या उस हॉलमार्क को क्या बोलते हैं, हालांकि हॉली मार्क बोलते हैं, अब इसका साइन ऐसा होता है, देखिए मैं बना देता हूँ, इसका साइन ऐसा होता है, ये गया ये आया ये और बीच में छोटा सा पॉइंट, ऐसा होता है इसका साइन। ये शुद्धता बताता है कि ये गोल्ड प्योर है, ठीक है, कि गोल्ड प्योर है, और एक स्लिप जो मिलती है वो हॉलमार्क की स्लिप मिलती है, ठीक है। स्टेटोस्कोप की सहायता से हृदय की जो धड़कन सुनने, स्फिग्नोमीटर से जो ब्लड प्रेशर को मापने, कैरेटोमीटर की सहायता से सोने की शुद्धता का पता लगाने, लक्स मीटर का उपयोग प्रकाश की तीव्रता में मापने के लिए करते हैं। अब बात करते हैं हम लोग कि ब्लड प्रेशर को अगर चेक करना तो किसका प्रयोग करेंगे, स्फिग्नोमीटर का, ठीक है।
बैरोमीटर से वायुमंडल का दबाव नापते हैं। अब आता है प्रश्न नंबर हमारा 30। निम्नलिखित में से किसे 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप मापन हेतु प्रयोग में लिया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पायरोमीटर अभी मैं बता चुका हूँ। 1500 सेल्सियस छोड़िए, 800 डिग्री से ऊपर जाएंगे तो भी आपको पायरोमीटर का ही प्रयोग होगा, ठीक है। 1500 से अधिक ताप मापने वाले, ताप मापने के लिए पायरोमीटर का ही प्रयोग किया जाता है। आपको पता है इसके साथ में वो बहुत सारे मीटर होते हैं। अच्छा बताइए, स्फिग्नो का जो स्फिग्नोमीटर है इसका प्रयोग क्यों किया जाता है? मैं बताता हूँ, भूकंप की तीव्रता नापने के लिए। अमीटर का प्रयोग कोई परिपथ में जो प्रवाहित जो धारा है उसका ताप नापते हैं, पर माप उसकी स्पीड नापते हैं, माफ़ करिएगा। टोक्योमीटर बताइए, टोक्योमीटर से वायुयान और जो मोटर है उनकी स्पीड नापते हैं, ठीक है। हाइग्रोमीटर से आपको पता ही चल गया वायुमंडल की सापेक्षी आर्द्रता नापते हैं। हाँ, और हाइड्रो से किसी द्रव की सापेक्षी घनत्व नापते हैं, ठीक है। हाइड्रो ग्रो से वायुमंडल की सापेक्षी आर्द्रता, हाइड्रो से क्या किसी द्रव का सापेक्षी घनत्व नापते हैं। आइए भाई बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 31 में। प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए उपकरण का प्रयोग किया जाता है तो वो है आपका लक्स मीटर। हम लोग बात कर ही चुके हैं इसके बारे में कई बार। प्रकाश की तीव्रता नापने का जो उपकरण है वो लक्स मीटर, जबकि कोलोरीमीटर एक प्रकाश सुग्राही उपकरण है जो किसी पदार्थ द्वारा अवशोषित किए जाने वाले रंग को मापता है। रडार क्या है? देखिए रडार क्या है, प्रकाश तरंगों द्वारा वस्तुओं का पता लगाना, ध्वनि तरंगों को परावर्तित कर वस्तुओं का पता लगाना, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति को ज्ञात करना, या वर्षा करने वाले बादलों का पीछा करना। देखिए डी तो सही होगा नहीं किसी भी हाल में, डी तो ऐसे ही गलत कर दीजिए। प्रकाश तरंगों द्वारा वस्तुओं का पता लगाना ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता। रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं का पता लगाना या उसकी स्थिति का पता करना, यही है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है आपका, तो देखते हैं सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। देखिए रडार का पहले फुल फॉर्म भी कहीं कहीं पूछ लिया जाता है भाई, तो आप इसको भी याद रखिएगा। इसका जो फुल फॉर्म है वो है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंज, ठीक है, जिसको रेंज को आप ING लगा देंगे तो हो जाएगा रेंजिंग, ठीक है। यह वस्तुओं का पता लगाने वाली एक प्रणाली है जो सूक्ष्म तरंगों का उपयोग करती है, जिसके द्वारा रेडियो तरंगों के माध्यम से दूर की वस्तुओं की स्थिति, ऊंचाई, दिशा व गति ज्ञात होती है। प्रश्न नंबर आते हैं 33 में। निम्नलिखित में से कौन सी राशि रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है? तो देखिए रिएक्टर अभी मैंने जस्ट अभी आपको बताया, भूकंप की तीव्रता नापने के लिए मैंने बताया था, ठीक है ना। अब देखिए जो भूकंप की तीव्रता नापने का जो पैमाना वो तो रिएक्टर है, या एक लॉगरिथम स्केल होता है जिसमें से कितने नंबर होते हैं, 1 से लेकर 9 बराबर बटा होता है। ये देखिए क्वेश्चन ऐसे है ना जो एक्सप्लेनेशन से आपको पता चलेंगे। अगली बार हो सकता है पूछ लिया जाए कि रिएक्टर में कितने लॉगरिथम स्केल्स नंबर होते हैं, तो कंफ्यूज हो जाएंगे, आपके लिए नया क्वेश्चन बन जाएगा, तो इसलिए इसको ध्यान में रख के चलना है। रिएक्टर स्केल में प्रत्येक आगे की संख्या अपने पीछे, ठीक पीछे वाली संख्या के 10 गुना के परिणाम को बताती है, ठीक है ना। 10 गुना का परिणाम ऐसे समझ सकते हैं जो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। देखिए अगर यहाँ पे 1 है तो इसका 10 गुने के परिणाम को क्या बताएगी, 10 बताएगी। इसके 10 गुने के परिणाम को क्या बताएगी, 100 बताएगी। तो बस ऐसे स्केल में वो होता है, 10 गुने के परिणाम को बता रही है, ठीक है, रिजल्ट्स को बताती है। बहुत सारी अगर चीज़ें होंगी डिटेल में तो ऐसे मतलब स्केल बनाई जाएंगे, डिजाइन किए जाएंगे। भूकंप की तीव्रता को मापने का जो है वो क्या, रिएक्टर पैमाना अभी हम लोगों ने बताया, कौन सा इसमें होता है, लॉगरिथम स्केल का यूज होता है जो 10 गुने परिणाम को बताती है। देखिए अभी हम लोगों ने यहाँ पढ़ा है ना, माफ़ कीजिएगा, वो रडार के बारे में पढ़ा था हम लोगों ने, नहीं सही है, भूकंप की तीव्रता के बारे में ही पढ़ा था, तो ये याद रखिएगा, ठीक है ना। प्रश्न नंबर आते हैं 35 में। रिएक्टर पैमाने मापने के लिए किसका प्रयोग होता है? अभी हम लोग देख चुके हैं भूकंप लहरों का प्रयोग किया जाता है। भूकंप की तीव्रता नापने के लिए किसका प्रयोग होता है? रिएक्टर का प्रयोग होता है। पीएच वैल्यू तो भैया यहाँ पे है ही नहीं, पीएच वैल्यू का तो प्रयोग होता है आपका किसमें, अम्लीयता और क्षारीयता को चेक करने के लिए, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 37 पे आते हैं, कौन सा सुमलिखित नहीं है ये आपको बताना है। अब देखिए भाई कौन सा सुमलिखित नहीं है, सेल्सियस तो ताप से है, किलोवाट आवर विद्युत से है, आरएच जो फैक्टर है, आरएच फैक्टर की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है ना। आरएच फैक्टर हम लोगों ने पढ़ा ब्लड में, नहीं है तो आगे पढ़ लेंगे। रिएक्टर पैमाना आर्द्रता को बताता है, ये गलत है, ये भूकंप को बताता है। तो बस रिएक्टर पैमाना आर्द्रता को नहीं बल्कि भूकंप की तीव्रता को मापने का प्रयोग करता है, और अन्य तीनों जो युग्म है वो सुमलिखित हैं। अब देखिए इसमें कुछ एक्स्ट्रा मैं अगर आपको बताऊँ तो देखिए आपको पता होगा पोटेंशियोमीटर की वो इसका प्रयोग क्यों होता है, पोटेंशियोमीटर का वो होता है विभवांतर के लिए।
दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर बता ही चुका हूँ मैं आपको। अच्छा ये बताइए, द्रव में अगर अमोनिया है तो अमोनिया के वाष्पन से किस प्रकार मतलब कैसे उसका प्रयोग किया जाता है, उसका मतलब उसको कैसे चेक किया जाता है कि जल के अंदर अमोनिया की वाष्प है, ठीक है ना। ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है, ताप के किस पैमाने में माइनस होता ही नहीं, वो होता है केल्विन के अंदर। देखिए भाई केल्विन के अंदर नहीं होता, और मैं आपको ये भी बता दूं, देखिए मैं फॉर्मूला यहाँ पे नहीं, फॉर्मूला नहीं है तो इसलिए मैं फॉर्मूला भी अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। देखिए अगर इसमें मैं आपको बताऊँ इसका फॉर्मूला क्या है, देखिए फॉर्मूला होता है आपका C इज इक्वल टू 9F/5+32, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। सेल्सियस फॉरेनहाइट एक र्यूमस पैमाने का माप ऋणात्मक होता है, जबकि केल्विन जो माप है वो ऋणात्मक नहीं होता है। निम्न में के निम्नलिखित में से भूकंप मापी यंत्र कौन सा है, वो है सिस्मोग्राफ, ठीक है। भूकंप मापी यंत्र कौन सा है, वो है सिस्मोग्राफ। देखो सिस्मोग्राफ के बारे में हम लोग देख चुके हैं कि इसमें रिएक्टर जो होता है वो जो स्केल होता है वो 10 के मल्टीपल में चलता है, तो इसमें चलाने के लिए कैस्कोग्राफ का जो प्रयोग होता है वो पौधे में वृद्धि को चेक करता है। इसका आविष्कार भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस ने किया था 1900 में, ठीक है ना। इसके बाद में हम लोग देखेंगे कि रेन गेज जो वर्षा यंत्र होती है, और गीगर जो होता है वो काउंटर एक प्रकार का कण अनुवेदक होता है जो आयनित विकिरणों को मापता है। नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं, प्रश्न नंबर 40, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। बाबा देखिए रटेंगे, सिस्मोग्राफ का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। बैरोमीटर का प्रयोग वायुमंडल की दबाव को नापते हैं, पॉलीग्राफ का प्रयोग करते हैं झूठ जो लोग झूठ बोलते हैं उनके लिए, हाइड्रोमीटर का जो प्रयोग होता है वो जल की अपेक्षित घनत्व को नापते हैं, ठीक है ना। आते 41 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित युक्तियों में से किसके द्वारा भूकंप की तीव्रता का माप किया जाता है। देखिए फिर से वही आ गया है, सिस्मोग्राफ। और अभी हम लोगों ने बताया था कि एक जिसका जो मीटर होता है उस पर 10 के मल्टीपल में सारी चीज़ें चलती, मतलब एक अगर यहाँ पे लिखा तो इसके आगे लिखा होगा 10, इसके आगे लिखा होगा 100, ये तभी तो होगा ना 10 का मल्टीपल, तो 10 का मल्टीपल ऐसे ही होगा, तो ये इस क्रम में इसके रिएक्टर चलते हैं। स्टेटोस्कोप का प्रयोग आपको देखिए भाई पता ही है कि जो डॉक्टर पास जाते हैं जब जिसको हम लोग बोलते हैं आला, तो आला लगाने को स्टेटोस्कोप बोलते हैं, ठीक है। पेरिस्कोप और क्रोमोग्राफी के बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन बताएंगे। सिस्मोग्राफ का प्रयोग अभी हम लोगों ने बताया, सिस्मोग्राफ का प्रयोग होता है भूचाल के लिए, ठीक है ना। हृदय की धड़कन के लिए क्या होता है, स्फिग्नोमीटर का यूज करते हैं। अब यहां पर आपको मैच करना भाई, भूकंप ऊंचाई जो है वो किससे नापते हैं, प्रतिरोध किससे नापते हैं। देखिए भाई भूकंप जो नापेंगे वो किससे नापेंगे, वो सिस्मोग्राफ से, तो देखिए ए का कहीं पे दूसरा दिख रहा है, देखिए दो ही ऑप्शन आपको ए के दूसरे में दिखेंगे, तो यहाँ आप देखेंगे थोड़ा सा वीडियो जो पीडीएफ थी ऊपर चली गई थी इसलिए पॉज करना पड़ा इसको। यहाँ आप देखेंगे तो भूकंप जो है वो सिस्मोग्राफ से है, यहाँ पर देखेंगे ऊंचाई है जो अल्टीमीटर से है, विद्युत धारा एमीटर से है, और प्रतिरोध आपका ओम से, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ए विल बी अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं इसी के बारे में, देखिए अल्टीमीटर का जो प्रयोग होता है वो समुद्र से यंत्र से समुद्र तल से विमानों की ऊंचाई मापी जाती है, एमीटर का प्रयोग जो होता है विद्युत धारा का मापन किया जाता है, सिस्मोग्राफ का जो प्रयोग होता है भूकंप का मापन किया जाता है, प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो ओम होता है। आगे बढ़ते हैं, एक को दो से मैच करना है। देखो फैदोमीटर क्या है, फैदोमीटर क्या है कि समुद्र की जो गहराई को नापने का काम करता है फैदोमीटर है। बैरोमीटर क्या है, वायुमंडलीय दबाव को नापता, तो बी का हो गया पहला, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आ गया हमारा बी। अब यहाँ से चेक कर लीजिए, बी का पहला और पहले का चौथा, तीसरे का दूसरा और चौथे का तीसरा, हम लोगों ने मैच कर ही लिया था। फैदोमीटर का जो प्रयोग होता है वो यंत्र से समुद्र की गहराई मापते हैं, बैरोमीटर का वायुमंडलीय दाब नापते हैं, हाइग्रो जी अगर है तो वो वायुमंडल की आर्द्रता नापेगा, और अगर हाइड्रो है तो वो वायु की जल की अपेक्षित घनत्व को नापेगा। अल्टीमीटर क्या है, वो समुद्र तल की विमानों से ऊंचाई के बारे में नापेगा। फैदोमीटर का जो उपयोग किसे नापने में किया जाता है, वो है समुद्र की गहराई नापते हैं। भूकंप का जो प्रयोग है वो रिएक्टर से नापते हैं। वर्षा को रेन गेज से नापते हैं। ध्वनि की तीव्रता को किससे नापते हैं, मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 आता है, 46 में है कि सूची एक को सूची दो से मिलाना है। बैरोमीटर का उपयोग होता है किसके लिए, बैरोमीटर का होता है आपका, देखिए जो स्फिग्नोमीटर है इसको समझिएगा,
यहां पर आप देखेंगे तो पहले का हो जाएगा तीसरा, और सिस्मोग्राफ क्या होता है, सिस्मोग्राफ देखिए आपका है भूकंप के लिए, तो बस मैच हो गया यहां पर। आप देख लीजिए पहले का तीसरा और दूसरे का पहला, कहीं है पहले का तीसरा और दूसरे का पहला, ऑप्शन नंबर हो गया आपका डी विकल्प बिल्कुल राइट हो जाएगा यहां पर। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट की तरफ। देखिए यहां दिया गया है कि एनेमोमीटर का प्रयोग वायु वेग, सिस्मोग्राफ का प्रयोग भूकंप, बैरोग्राफ का प्रयोग वायुमंडलीय दबाव और हाइग्रोमीटर का प्रयोग आर्द्रता के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमलिखित नहीं है, मैनोमीटर दबाव, कार्ब्यूरेटर अंतः दहन इंजन, कार्डियोग्राफ हृदय गति और सिस्मोग्राफ पृष्ठ तल। बस यही गलत हो गया, डी वाला ऑप्शन सही नहीं, यही पूछा था, क्योंकि हमको पता है सिस्मोग्राफ का प्रयोग क्यों होता है, भूकंप के लिए होता है, ठीक है ना, बाकी सब सही है। निम्नलिखित में से किसके मापन में फोनोमीटर का उपयोग किया जाता है, फोनोमीटर का उपयोग क्या है इसको समझिए पहले। ये ध्वनि की तीव्रता और स्पंदन मापने के लिए होता, तो वो तो कहीं है ही नहीं यहाँ पर ऑप्शन, तो इसीलिए यहाँ पर क्या था स्टार बना यहाँ पर। ये डिस्प्यूट क्वेश्चन डाल देते हैं जबरदस्ती ये लोग, ठीक है ना, चाहे तो इतने क्वेश्चन इसकी जगह कोई और क्वेश्चन डाला जा सकता, लेकिन ये होता है कि गलत क्वेश्चन डालो कोर्ट में भर्ती जाए। बस झूठ का पता लगाने के लिए पॉलीग्राफ का प्रयोग किया जाता है, बस आपने यहीं से पकड़ लिया। अब देखिए लिए पायरोमीटर का प्रयोग होता है उच्च ताप के मापन के लिए, और गायरोस्कोप का प्रयोग होता है घूमती हुई वस्तु का पता लगाने के लिए, काइमोग्राफ का प्रयोग होता है शरीर की क्रियाओं को ग्राफ द्वारा निरूपित करने वाला यंत्र जैसे कि रक्तचाप, हृदय की धड़कन और इत्यादि, ठीक है। अब देखिए जो नेक्स्ट हम लोगों का वीडियो होगा वो होगा यांत्रिकी के ऊपर, तो बस इस वीडियो को पहले पूरा कंप्लीट कर लीजिए, इसके बाद आपका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो यांत्रिकी आएगा, और हम लोग एक शॉर्ट वीडियो के थ्रू एमसीक्यूज करा रहे हैं, तो उस पर भी पार्टिसिपेट करिए, उसकी एक अलग प्लेलिस्ट बन गई है, फटाफट से जाइए चैनल को सब्सक्राइब करिए और टेलीग्राम को ऐड करिए। थैंक्स अ लॉट, कीप वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।